हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं जिस मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है वो एमआई, और इसमें काफ़ी सारी टेक्निक जो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी टर्म्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्हें दिखाया गया है। पूरी मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है, शुरू से एंड तक सस्पेंस बना हुआ है। एंड तक में भी जो इस मूवी का मेन करेक्टर है वो बच निकलता है, अनोनमस बना रहता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। मैं आपको बता देता हूँ इस मूवी में हम किन टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें बताया गया सबसे पहले थ्री रूल्स जो कि सभी एक्सपर्ट्स को पता होना चाहिए। इन सब के अलावा जो टर्म्स आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे फिशिंग, बॉटनेट, स्क्रिप्ट किडीज, फ्रीक, जीरो डे, सोशल इंजीनियरिंग का इसमें बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीज़ों जो टेक्निक्स हैं इनका इसमें इस्तेमाल हुआ है पूरी मूवी के अंदर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ शुरू से एंड तक कहाँ कहाँ और इन टर्म्स का जो मीनिंग है वो क्या है और कैसे इसमें इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कहानी बहुत अच्छी है। शुरुआत में जो मेन करेक्टर है वो अपनी कहानी बता रहा होता है कि शुरुआत से ही उसने सुपर हीरो बनने का शौक था, लेकिन उसका कोई मतलब उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। तो इस कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो इसीलिए उसने शुरुआत में प्रोग्रामिंग और लैंग्वेज क्रैकिंग जैसी चीज़ों को सीख लिया, लेकिन वो फ्रीक ही था। फ्रीक और स्क्रिप्ट किडीज लगभग वो लोग होते हैं दोस्तों जिन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या ज़्यादा नॉलेज नहीं होती किसी भी फील्ड के बारे में, लेकिन इंटरनेट और ऑनलाइन वीडियोस या गूगल वगैरह करके वो काफ़ी सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो वो शुरुआत में ऐसा ही था, लेकिन इन सब के साथ साथ उसने सीखा डार्क वेब पे काम करना भी थोड़ा। तो उसने थोड़ा बहुत डार्क वेब पे भी काम कर रहा था। डार्क वेब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे मतलब एक से एक एक्सपर्ट्स हैकर्स और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी जिन्हें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपको इनके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। तो वो मतलब डार्क वेब से भी जुड़ जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि एक से एक अच्छे जो हैकर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उन सब में एक बहुत ज़्यादा फेमस हैकर है जिसे वो रोल मॉडल मानता है, और वो जो हैकर है उसका नाम होता है मिस्टर एक्स। यानी डार्क वेब की दुनिया में उसे मिस्टर एक्स के नाम से जाना जाता है। ये उसे अपना जो मूवी का मेन एक्टर है, हीरो है, वो उसे अपना रोल मॉडल मानता है। जो मिस्टर एक्स है उसने बहुत सारे बड़े बड़े हैकिंग अटेम्प्ट्स किए हुए होते हैं। उसका नाम होता है डार्क वेब की दुनिया में और हैकिंग की दुनिया में भी। लोगों के प्रोफाइल्स के साथ छेड़खानी करना और ये सारी चीज़ें उसके लिए जस्ट बच्चों के खेल की तरह होती हैं। तो डार्क वेब पर ही उसकी मुलाकात होती है और यहीं मिस्टर एक्स उसे बताते हैं हैकर्स के लिए तीन नियम। पहला बताता है कि कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है। फर्स्ट होता है नो सिस्टम इज सेफ, यानी कोई भी सिस्टम सेफ नहीं है। एम फॉर द इम्पॉसिबल ही, यानी कि हमेशा इम्पॉसिबल के लिए अपना एम बनाओ। तो ये चीज़ें वहाँ पे बता रहे होते हैं। साइबर स्पेस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, लिखो, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की कहानी बता रहा होता है मूवी का जो मेन करेक्टर है, और सडनली वो बताता है कि वो एक लड़की को शुरुआत में प्यार करता है और वो उसे मिल जाती है अचानक, लेकिन उसी लड़की के लिए वो कंप्यूटर्स जो कॉलेज के कंप्यूटर्स होते हैं वहाँ से उसको पेपर चुराने का काम करता है, और इसके लिए वो जाता है फिजिकली कॉलेज में और उस सर्वर पे अपना कंट्रोल बना लेता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जैसे ही वो सर्वर पे कंट्रोल बनाता है, पेपर्स को चुराने में सक्सेस तो हो जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। पकड़ा जाने के बाद उसकी मुलाकात, उसे सज़ा मिलती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बंदे से होती है जो उसे कहता है कि यार तुझे कुछ खास नहीं आता होगा, ज़्यादा ज़्यादा बॉटनेट और फिशिंग जैसी चीज़ों को करके तू अपने आप को हैकर समझ रहा है। तो वास्तव में वो कहता है कि यार ऐसा नहीं है, मैंने जीरो डे एक्सप्लॉइट की मदद से, दोस्तों जीरो डे वल्नरेबिलिटी वो होती है जब आप किसी भी सर्वर में या किसी भी वेबसाइट में सबसे पहले उस वल्नरेबिलिटी के बारे में अगर किसी को नहीं पता है सबसे पहले आप पता लगा लेते हैं, दैट और कॉल्ड जीरो डे एक्सप्लॉइट। तो वो बताता है कि मैंने जीरो डे एक्सप्लॉइट की मदद से सर्वर को हैक किया है। तो ये बात उसे पसंद आ जाती है कि तो उसे इनविटेशन दे देता है, यानी कि जो मूवी का मेन करेक्टर है जिसका नाम है बेंजामिन, तो बेंजामिन को वो क्या करता है अपने यहाँ इनविटेशन दे देता है कि तुम मेरे यहाँ आना, और जो पार्टी में जाता है बेंजामिन उसकी पार्टी में जाता है, और वहाँ जाके उसे एक काम सौंप दिया जाता है बेंजामिन को कि चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। उसके आगे एक सिस्टम रख दिया जाता है कंप्यूटर कि देखते हैं तुम क्या करते हो, और बेंजामिन अपनी कमांड्स और लैंग्वेज की नॉलेज से एक बैकडोर की मदद से वहाँ पे जितनी भी लाइट सिस्टम है उसे हैक कर लेता है। तो आप देखेंगे इस तरह की कमांड्स का इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ आप देखेंगे पावर ऑफ वगैरह ये कमांड्स। तो वहाँ पे जैसे ही लाइट सिस्टम को ऑफ कर देता है तो इससे क्या होता है कि बेंजामिन को जो उसको जेल में दोस्त मिला होता है उसकी टीम में मिल जाती है एंट्री। अब यहाँ से नई नई कारनामे चीज़ें और दूसरी चीज़ें स्टार्ट होती हैं। बेंजामिन को उसका दोस्त एक ट्रैक पे सिखाता है कि देखो मैं बताता हूँ सोशल इंजीनियरिंग क्या कर सकता है। दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग के लिए वो डंपस्टर डाइविंग करता है। डंपस्टर डाइविंग मतलब कई बार कचरे के डब्बे में बहुत सारे बिल, जरूरी चीज़ें फेंक देते हैं, तो कचरे के डब्बे से एक बिल निकाल लेता है और इसकी मदद से पेस्ट्रीज, चॉकलेट वगैरह खरीद के दिखाता है उसे कि भाई देखो मैंने ये कर लिया। तो हमें इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बिल वगैरह ऐसी चीज़ों को फाड़ के कहीं भी फेंक देना या फिर सिंपली यूं ही कचरे में फेंक देना, तो कई बार हैकर्स के लिए एक बहुत अच्छा खासा खजाना हो सकता है। दूसरा उनका टारगेट होता है कि एक बड़ी मीटिंग चल रही होती है उसे हैक करने का। तो यहाँ पे बेंजामिन क्या करता है कि सीधा जाता है कंप्यूटर में जो उनका
वाईफाई का नेटवर्क होता है उससे कनेक्ट कर देता है, यानी कि अपने वाले वाईफाई के नेटवर्क से। तो आप सभी जानते हैं जब एक नेटवर्क में कोई चीज़ आ गई तो उस पर कंट्रोल बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाती हैकर्स के लिए। तो अपने नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद वो उस पूरी मीटिंग की जो प्रेजेंटेशन होती है उसे हैक कर लेते हैं, और हैक करने के बाद उसमें फालतू की चीज़ें एक कमांड चलाते हैं। आप देखेंगे WL क्रैक मतलब वाईफाई क्रैकिंग के लिए एक टूल का इस्तेमाल किया है उन्होंने, तो वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करके और कनेक्ट करके अपने आप से, तो वहाँ एक फेक प्रेजेंटेशन चला देते हैं। तो उन्हें लगता है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। देन सडनली मूवी और आगे बढ़ती है इसी तरह की चीज़ों को लेकर, और वो कहते हैं कि हम अपने ग्रुप का नाम रखेंगे। तो वो सोच रहे होते कि अनोनमस जैसा कोई नाम रखें। अनोनमस और लुलजैक दोनों, आपको पता है हैकिंग की दुनिया में दो बहुत बड़े ग्रुप हैं, और वो अपने ग्रुप का नाम रखते हैं क्ले, यानी क्लाउंस लाफिंग एट यू। एंड सडनली इसके लिए वो एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की पर जाते हैं, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट के जहाँ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं सर्वर वगैरह, तो वहाँ जाते हैं और फिजिकल कनेक्टिविटी, आप देखेंगे यहाँ पे फिजिकल कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया गया, इस कनेक्टिविटी की मदद से वो वहाँ कंप्यूटर्स को हैक कर लेते हैं। और शेयर मार्केट का जो रेट था, आप देखेंगे यहाँ पे नो सिस्टम इज सेफ लिख के .mp4 लिखा हुआ है, तो ये कमांड देते हैं तो मतलब उनकी जो वीडियो फाइल होती है mp4 फाइल होती है वहाँ उनके सिस्टम्स पे चल जाती है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी वो मूवी के अंदर आपको कई जगह करके दिखाई गई हैं। इन सब के अलावा वो ड्रग मेडिसिन की एक साइट होती है उसे हैक कर लेते हैं, वहाँ वो दिखा देते हैं। तो उनका नाम मीडिया की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मिस्टर एक्स की दुनिया में उन्हें कोई खास पहचान नहीं होती। मिस्टर एक्स उनका मजाक उड़ा रहा होता है, वो कहता है कि यार ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो छोटे मोटे बच्चे हैं। उससे जब पूछा जाता है कि यार तुम किले के बारे में तुमने सुना है, तो वो कहता है कि यार कौन किले, मैं नहीं जानता ये किले विले कौन है। तो सडनली उनके बड़े बड़े कामों से एक दिन मिस्टर एक्स उसका मैसेज आता है उनके पास, वो थोड़ा खुश हो जाते हैं कि भाई मिस्टर एक्स ने हमारे पास मैसेज किया है। तो जब मैसेज में उन्हें गिफ्ट मिलता है और जब वो गिफ्ट को खुलकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है यार उनकी जो टीम है मिस्टर एक्स ने उनके पास भेजा है एक रिपोर्ट जिसमें जो रशियन पुलिस है वो उनके पीछे लगी हुई, वो कह रहे हैं कि यार ये ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ये तो बच्चों वाले काम कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है किले जो ग्रुप है। तो ये बात उन्हें चुप जाती है, इसके लिए वो दोबारा अपनी हैकिंग ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कचरे के ढेर में वो ढूंढ रहे हैं, तो वो यहाँ पे ढूंढते हैं मतलब कुछ चीज़ों को, क्या ढूंढ रहे हैं, यहाँ कचरे के ढेर से उन्हें कुछ सेंसिटिव फाइल मिल जाती हैं जो कि एक बड़ी एजेंसी की जुड़ी हुई होती है, और इनकी मदद से उन्हें ईमेल आईडी मिल जाता है, और वो ईमेल स्पूफिंग की मदद से, ईमेल स्पूफिंग मतलब किसी दूसरे के मेल पे दूसरे नाम से इस तरह से अपने आप को प्रूफ करना कि वो वहीं से मेल कर रहे हैं, और फिशिंग पेज की मदद से सामने ईमेल आईडी और पासवर्ड्स को हैक करने में सक्सेस हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह की चीज़ें उन्होंने भेजी, तो ईमेल आईडी पासवर्ड हैक करने में वो सक्सेस हो गए, और वहाँ सर्वर्स से जाके जो बेंजामिन है वो डेटा को चुरा लेता है और पूरा डेटा कॉपी कर लेता है एक्सप्लॉइट भेजकर। उसके बाद ये जो डेटा उसने कॉपी किया और इतना बड़ा काम किया, उसे लगता है कि अब तो उन्हें पता चलेगा, यानी कि मिस्टर एक्स को पता लगेगा कि हम बड़े हैकर्स हैं, और वो ये क्या करता है कि ये जितना भी डेटा है वो उसके पास भेज देता है। लेकिन इतने में ही FBI की टीम उन्हें ढूंढ रही होती है, तो वो उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है, लेकिन सडनली बेंजामिन बच जाता है इससे भी। एंड उसके बाद क्या होता है, वो मिस्टर एक्स के प्राइवेट चैनल में जाते हैं जो कि डार्क वेब पर है, और मिस्टर एक्स जो है उसे कहता है, उससे वो कहता है कि क्या अब हम आपकी फ्रेंड वाली लिस्ट में आ सकते हैं, तो वो कहता है कि ठीक है पहले ये काम करके दिखाओ। और इसके लिए मिस्टर एक्स उन्हें एक ट्रोजन देता है। ट्रोजन आप सभी जानते हैं, किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप पे कंट्रोल बनाना हो तो ट्रोजन काफ़ी हेल्पफुल चीज़ होती है। तो ट्रोजन को इम्प्लीमेंट करता है बेंजामिन, मिस्टर एक्स ने जो उसे दिया था, और इस ट्रोजन की मदद से ही वो बेंजामिन उसे सारा काम करके देता है मिस्टर एक्स को, लेकिन मिस्टर एक्स उसकी दी गई इन्फॉर्मेशन को सेल आउट कर देता है। यहाँ से कहानी गड़बड़ाती है और दो हैकर्स की आपस में लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मेनली चीज़ों का, क्योंकि यूरोपोल का जो उसने इविल ट्विन अटैक्स की मदद से, यानी कि फेक वाईफाई बना के उनका जो नेटवर्क था वो हैक कर लिया, लेकिन जो मिस्टर एक्स था वो उसकी लोकेशन को रिवील कर देता है, वो बता देता है कि ये काम किसने किया है, और मिस्टर एक्स उससे बोलता है कि अब मुझे पता है तुम कौन हो और कहाँ रहते हो, और उसे पकड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। यहाँ पे बेंजामिन का दिमाग काम करता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मूवी में बताने के लिए जो एक बार में नहीं बताई जाएंगी, लेकिन वो मिस्टर एक्स को पकड़वा देता है, किस तरह से पकड़वाता है, उसकी लोकेशन को किस तरह से रिवील करता है, पूरा इस स्टोरी में दिखाया गया, काफी इंटरेस्टिंग है। और अपनी आइडेंटिटी को भी मिटाने में जो बेंजामिन है वो सक्सेस हो जाता है, लेकिन पूरा मजा जो है भाई फिल्म के एंड में आता है। ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है पूरी मूवी में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई भी व्यूज हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर सीन इथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।